हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नौकरी स्टडी। छठी जेपीएससी जो कि एक विवादित एग्ज़ाम बन गया है, झारखंड का हर जेपीएससी विवादित हो जाता है, कोर्ट में जाना पड़ता है। तो छठी जेपीएससी की मेधा सूची को हाईकोर्ट के द्वारा रद्द किया गया है, लेकिन अब छठी जेपीएससी की मेधा सूची रद्द होने के मामले में अपील में जाएगा आयोग। तो देखते हैं क्या खबर है। छठी जेपीएससी की मेधा सूची रद्द किए जाने से संबंधित हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी डबल बेंच में अपील करेगा। इस मामले में महाधिवक्ता से एक दो दिनों में राय ली जाएगी। कार्मिक विभाग भी पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए है और इससे संबंधित दस्तावेज एकत्रित किए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि कार्मिक विभाग से महाधिवक्ता को पूरी फाइल अलग से भेजी जाएगी। सरकार का पक्ष क्या होगा और जेपीएससी किस आधार पर आगे की लड़ाई लड़ेगी यह तय होने के बाद का फैसला सुनाया था। इतने नहीं, कोर्ट ने इस मामले में दोषी पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। इस फैसले के बाद जेपीएससी दुविधा में है। उसके सामने नए सिरे से मेरिट लिस्ट जारी करने को लेकर अड़चन तो है ही, गलत परिणाम के मामले में आयोग को अपने ही फैसले पर भरोसा नहीं है। तो ऐसे में छठी जेपीएससी के मामले में आयोग जो है डबल बेंच में अब अपील करने जा रहा है, क्योंकि ये सिंगल बेंच का फैसला है। उसके बाद नहीं होगा तो जेपीएससी सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है। और आगे क्या क्या होता है इस मामले पर हम नज़र बनाए रखेंगे और आप तक न्यूज़ को फैलाएंगे, पहुंचाएंगे। तो आपने अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल नौकरी स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी बैंकिंग रेलवे जेएसएससी जेपीएससी के खबर के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो को लाइक कर फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।